हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ला लीगा स्टैंडर्ड लीग मैच के बारे में, जो गाइस खेला जाएगा यहां से कैडिज और रियल बेटिस के बीच में होने वाले इस मैच के बारे में। तो गाइस इस वीडियो में इन दोनों टीमों के रिसेंट फॉर्म और इन दोनों टीमों के प्लेयर्स के बारे में जानेंगे, कौन से प्लेयर ने कितने गोल किए हैं और कितना असिस्ट किए हैं। और गाइस बात करेंगे जब ये दोनों टीमें आपस में खेलती हैं तो क्या रहता है इन दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड, और गाइस जो कौन से प्लेयर जो कंसिस्टेंट गोल करते हैं इन दोनों टीमों की तरफ से, और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे जिनका ड्रीम इलेवन पर काफ़ी लो सिलेक्शन रहेगा और उन्हें आप अपनी समर लीग टीम में कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हो प्लेयर का रिकॉर्ड देखने के बाद। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं जो ला लीगा लीग की जो पॉइंट्स टेबल है, उस पॉइंट्स टेबल पर इन दोनों टीमों को क्या रहते हैं पॉइंट्स ट्रेंडिंग। तो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, नहीं तो आप अपने टेलीग्राम चैनल पर सर्च कर ले क्रिकेट पोर्ट। जैसे आप क्रिकेट पोर्ट सर्च करोगे तो आपको इस तरह लोगो दिखाई देगा हमारे टेलीग्राम चैनल का, जिस तरह हमारे यूट्यूब चैनल का लोगो है। आप जैसे ही क्रिकेट पोर्ट सर्च करोगे तो 3000 प्लस के सब्सक्राइबर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, और आपको यहाँ पर फाइनल जो हमारे इस मैच की जो ड्रीम इलेवन टीम रहेगी आपको इसी चैनल पर मिलेगी। तो चैनल से जुड़ना ना भूलना, और फाइनल टीम में जो भी कोई चेंजिंग होगी वो भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो गाइज अब बात करते हैं यहाँ से जो इन दोनों टीमों को क्या रहते हैं पॉइंट्स टेबल पर पॉइंट्स स्टैंडिंग। तो एक बार देखते हैं पॉइंट्स टेबल। तो गाइज फिलहाल हम आ चुके हैं ला लीगा लीग का जो पॉइंट्स टेबल वहाँ पर। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं यहाँ से जो रियल बेटिस है यहाँ से 7th पोजीशन पर है, वहीं पर बात करें कैडिज यहाँ से 15th पोजीशन पर है। तो गाइज रियल बेटिस ने 24 मैच खेले हैं जिसमें से 11 मैच इसने विन किए हैं और 3 मैच ड्रॉ खेले हैं और 10 मैच इसने लॉस किए हैं। 32 गोल स्कोर करे हैं और 38 गोल कंसीड कर चुके हैं। तो गाइज 24 मैच में 32 गोल स्कोर करना, आप मान सकते हो जो इसका अटैक है प्रत्येक मैच में 1.3 गोल पर मैच स्कोर करने का एवरेज रखता है। वहीं पर बात करें इसने 24 मैच में 38 गोल कंसीड भी किए हैं, तो इसका जो डिफेंस है प्रत्येक मैच में 1.5 गोल पर मैच स्कोर कंसीड करने का एवरेज रखता है। अटैकिंग वाइज गोल करती भी है लेकिन डिफेंसिव वाइज कहीं ना कहीं गोल कंसीड भी कर देती है। तो गाइज अब बात करते हैं जो कैडिज है, इसने भी 24 मैच खेले हैं जिसमें से 6 मैच इसने विन किए, 7 मैच इसने ड्रॉ खेले, 11 मैच इसने लॉस किए हैं। 21 गोल स्कोर करे हैं और 40 गोल कंसीड कर चुके हैं। तो गाइज 24 मैच में 21 गोल स्कोर करना, आप मान सकते हो जो इसका अटैक है प्रत्येक मैच में 0.8 गोल पर मैच स्कोर करने का एवरेज रखती है। वहीं पर बात करें इसने 24 मैच में 40 गोल कंसीड भी किए, तो इसका जो डिफेंस है प्रत्येक मैच में 1.6 गोल पर मैच स्कोर कंसीड करने का एवरेज रखता है। अटैकिंग वाइज जल्दी से गोल करती नहीं है लेकिन डिफेंसिव वाइज कहने के लिए गोल जरूर कंसीड कर देती है। तो गाइज अब बात आती है कौन सी टीम को हम फेवरेट माने इस मैच में अपनी ड्रीम इलेवन की टीम के लिए। तो फिलहाल गाइज मैं यहां से बैक करने वाला हूं रियल बेटिस को, लेकिन यहां से कैडिज का जो होम ग्राउंड में मैच होने वाला है तो कहीं ना कहीं आपके लिए मतलब ये ग्रैंड लीग टीम या इसके फेवर में भी बना सकते हो। तो गाइज फिलहाल के लिए हम समोर लीग टीम में तो रियल बेटिस को ही इस मैच में फेवरेट मान के चलते हैं। तो गाइज अब बात करते हैं जब ये दोनों टीम आपस में हेड टू हेड मैच खेलती हैं तो क्या परफॉर्मेंस रहता है इन दोनों टीमों का हेड टू हेड परफॉर्मेंस, तो देख लेते हैं यहाँ से। तो गाइज यहाँ से इन दोनों टीमों ने पिछले 5 हेड टू हेड मैच में से यहाँ से कैडिज ने सिर्फ एक ही मैच विन किया है और 4 मैच यहाँ से रियल बेटिस ने विन किए। 1.2 गोल पर मैच स्कोर किया लेकिन 2.2 गोल पर मैच कंसीड किया। तो गाइज कैडिज गोल करती भी है लेकिन कहीं ना कहीं डिफेंस से गोल कंसीड भी कर देती है जब ये दोनों टीमें आपस में खेलती है। तो गाइज अब बात करें जो पिछला मैच इन दोनों टीमों के बीच में हुआ था, यहाँ से रियल बेटिस 1-0 से विन कर गई थी, उससे पिछले मुकाबले फिर यहाँ से रियल बेटिस 1-0 से विन कर गई थी। पिछले 2 रिसेंटली मुकाबले थे यहाँ से रियल बेटिस ने 1-0 से ही विन किए हैं, लेकिन उससे पिछले मुकाबले यहाँ से रियल बेटिस ने 5-3 से लॉस का सामना करना पड़ा। एक मैच छोड़ दिया जाए बाकी सारे मैच यहाँ से रियल बेटिस ने विन किए हैं, तो इसलिए मैं यहाँ से फेवरेट मान के चलता हूँ रियल बेटिस को इस मैच में। तो गाइज अब बात करते हैं इन दोनों टीमों के रीसेंट फॉर्म बारे में। तो गाइज यहाँ से इन दोनों टीमों की सबसे पहले बात करते हैं जो कैडिज है उसके रीसेंट फॉर्म बारे में। तो कैडिज ने पिछले 6 मैच में से अभी तक कोई मैच विन नहीं किया लेकिन 2 मैच ड्रॉ खेले हैं और 4 मैच इसने लॉस किए हैं। 1 गोल पर मैच स्कोर किया लेकिन 3 गोल पर मैच कंसीड किया। अटैकिंग वाइज एक ने एक गोल कर देते हैं प्रत्येक मैच में लेकिन डिफेंसिव वाइज आप देख सकते हो 3 गोल पर मैच स्कोर कंसीड कर रही फिलहाल के टाइम पर। तो गाइज बात करें जो पिछला मैच अपना ये एफसी बार्सिलोना के खिलाफ खेल कर है जिसमें से 1-1 का ड्रॉ देखने को मिला, लेकिन उससे पिछले मुकाबले एथलेटिको बिलबाओ से 4-0 से लॉस, फिर यहाँ से रियल सोसिएडेड से 4-1 से लॉस, फिर आप देख सकते हो सारे मैच इसने लॉस किए, फिर एक लास्ट मैच इसने ड्रॉ खेला है। तो इसका रिसेंट फॉर्म आप मान सकते हो बिल्कुल आज के वक्त में सही नहीं चल रहा। तो गाइज अब बात करते हैं जो रियल बेटिस का उसका जो रिसेंट फॉर्म है उसके बारे में। तो गाइज रियल बेटिस ने पिछले 6 मैच में से 4 मैच किए विन और 2 मैच खेले यहाँ से लॉस,
और 1.7 गोल पर मैच स्कोर किया, एक गोल पर मैच कंसीड किया। अटैक में गोल करती भी है लेकिन डिफेंस वाइज कहीं ना कहीं गोल कंसीड भी कर देती है। लेकिन गाइज अब बात करते हैं जो पिछला मैच अपना ये गेटाफे से खेल कर रही, जिसमें से 1-0 से विन कर लिया, तो गेटाफे जिस टीम को भी इसने 1-0 से मतलब हरा दिया था, तो बेहतरीन परफॉर्मेंस है फिलहाल के टाइम पर। लेकिन उससे पिछले मुकाबले यहाँ से विल्लारियल से 2-1 से विन किया, फिर यहाँ से 2-3 से लॉस, फिर यहाँ से 1-1 से ड्रॉ हो, लेकिन पेनल्टी में इसे लॉस का सामना करना पड़ा। लेकिन उससे पिछले मुकाबले यहाँ से फिर 2 मैच इसने विन किए। तो रिसेंट फॉर्म के अनुसार और हेड टू हेड फॉर्म के अनुसार तो यहाँ से रियल बेटिस एक स्लाइट फेवरेट टीम मान सकते हो आप इस मैच में, तो इसलिए मैं यहाँ से बैक करने वाला हूँ यहाँ से रियल बेटिस को। तो गाइस अब बात करते हैं इस मैच में जो स्कोर एंड प्रेडिक्शन क्या हो सकती है इस मैच में हमारी। तो फिलहाल के लिए 0 गोल यहाँ से कैडिज और 1 गोल यहाँ से रियल बेटिस, 1-0 के बैक कर रहा हूँ फिलहाल की टीम। लेकिन आपको लोग कहीं ना कहीं 1-1 का स्कोर लाइन देखने को भी मिल सकता है, क्योंकि कैडिज अपने होम ग्राउंड में खेले तो कहीं ना कहीं एक गोल कंसीड मतलब एक गोल स्कोर भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से ना आपको जो रियल जो कैडिज का जो रिसेंट फॉर्म है वो 3 गोल पर मैच स्कोर कंसीड करने का एवरेज है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक हाई स्कोरिंग मैच देखने को भी मिल सकता है। लेकिन जो पिछले जो दो रिसेंटली मैच हुए हैं यहाँ से 1-1 से रियल बेटिस ने विन किए हैं, तो उस कंडीशन के अनुसार मैं फिलहाल के लिए यहाँ से 1 गोल रियल बेटिस, 0 गोल यहाँ से कैडिज। तो गाइज अब बात करते हैं इन दोनों टीमों के प्लेयर्स के बारे में, कौन से प्लेयर ने कितना गोल किए हैं और कितना असिस्ट किए, तो सबसे पहले नज़र डालते हैं कैडिज के प्लेयर्स के बारे में। तो गाइज फिर बात करेंगे यहाँ से फिर गाइज बात करेंगे यहाँ से रियल बेटिस के प्लेयर्स के बारे में, कौन से प्लेयर ने कितना गोल किए हैं और कितना असिस्ट किए, तो सबसे पहले नज़र डालते हैं कैडिज के प्लेयर्स के बारे में। तो गाइज कैडिज की टीम तरफ से हाईएस्ट गोल टेकर यहाँ से अलवारो नेगरेडो है जिसने 6 गोल किए हैं, और यहाँ से फिर गिमिनेज है जिसने 2 गोल किए, बाकी सभी ने एक एक दो दो गोल किया। आप स्क्रीनशॉट ले लेना, एक खुद की टीम बनाने में काफ़ी आसानी रहेगी। तो गाइज अब बात करते हैं जो इस टीम तरफ से हाईएस्ट असिस्ट कौन से प्लेयर के उसके बारे में, तो देख लेते हैं। तो गाइज इस टीम की तरफ से हाईएस्ट असिस्ट यहाँ से अलवारो नेगरेडो है जो कि इंपॉर्टेंट प्लेयर है, आपने बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, क्योंकि गोल प्लस असिस्ट इसी में दोनों में इसी का कंट्रीब्यूट है, तो इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, बिल्कुल भी इग्नोर करके मत चलना। तो इसलिए और सेकंड हाईएस्ट असिस्ट टेकर इस टीम की तरफ से यहाँ से अल्बर्टो पीरिया है जिसने 2 असिस्ट किए, और बाकी सभी एक एक दो दो असिस्ट किए, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। तो गाइज अब बात करते हैं जो रियल बेटिस की टीम की तरफ से कौन से प्लेयर ने कितना गोल किए और कितना असिस्ट किए, तो एक बार देख लेते हैं। तो गाइज रियल बेटिस टीम तरफ से हाईएस्ट गोल टेकर यहाँ सर्जियो कनालेस है जिसने 7 गोल किए हैं और 2 गोल इसने पेनल्टी में किए हैं, तो इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। और यहाँ से क्रिस्टियानो टेल्लो है जिसने 4 गोल किए हैं, और यहाँ से बोर्जा जिसने 4 गोल और 1 गोल इसने पेनल्टी में किया, और यहाँ से एंटोनियो जिसने 3 गोल किए, और बाकी सभी आप स्क्रीन शॉट ले लेना, काफ़ी लंबी लिस्ट है, प्लेयर का रिकॉर्ड आपके लिए काफ़ी मायने रखेगा जब आप खुद की एक ड्रीम इलेवन की टीम बनाओगे। तो गाइज अब बात करते हैं इस टीम तरफ जो हाईएस्ट असिस्ट कौन से प्लेयर के उसके बारे में, तो देख लेते हैं यहाँ। तो गाइज इस टीम तरफ से हाईएस्ट असिस्ट यहाँ से सर्जियो कनालेस है जिसने 5 असिस्ट किए, और यहाँ से नाबिल फकीर है जिसने 5 असिस्ट किए, तो दोनों प्लेयर इंपॉर्टेंट रहेगा। और यहाँ से क्रिस्टियानो टेल्लो है जिसने गोल प्लस असिस्ट दोनों में कंट्रीब्यूट है, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, और बाकी आप सभी का स्क्रीनशॉट ले लेना। तो गाइज अब बात करते हैं यहाँ से जो हमारे ड्रीम इलेवन की टीम रहेगी क्या रहेगी इस मैच में, तो देख लेते हैं यहाँ से ड्रीम इलेवन की टीम क्या रहेगी हमारी इस मैच में। तो गाइज फिलहाल के लिए हमारे जो ड्रीम इलेवन टीम है यहाँ से ये होने वाली, जिसमें कैप्टन बनाया यहाँ से सर्जियो कनालेस को, और वाइस कैप्टन डाला फिर यहाँ से सी टेल्लो को। टेल्लो को सिलेक्शन परसेंटेज वेरी लेस है, 1% सिलेक्शन, और आपने देखा होगा इसका गोल प्लस असिस्ट दोनों कंट्रीब्यूट है, तो इंपॉर्टेंट प्लेयर है, आप इसे इग्नोर करके नहीं चल सकते। सिलेक्शन परसेंटेज पे आप बिल्कुल ध्यान मत देना। लेकिन यहाँ से जो इस तरह से नाबिल फकीर है उसको मैंने फिलहाल के लिए पिक नहीं किया, क्योंकि इस मैच में जो हाई क्रेडिट की प्रॉब्लम है, तो अगर इस टीम में कोई चेंजिंग होगी मतलब चेंजिंग जरूर होगी, क्योंकि हमने उनको भी अपनी टीम में मेंटेन करना, किसको, नाबिल फकीर को, तो उस कंडीशन में हम टेलीग्राम चैनल पर आपको फाइनल टीम डाल देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो क्रिकेट पॉड सर्च कर लेना, तो इस तरह लोग दिख जाएगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का, जिस तरह हमारे यूट्यूब चैनल का। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, इतने के लिए खुद का ख्याल रखना और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। तो गाइस